नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्टर्ड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूँ कॉमोडिटी के इस वीकली आउटलुक पे। तो दोस्तों, कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ एंड गोल्ड ने कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब 1.25% तक का मंदी दिखाया एंड सिल्वर में भी करीब करीब 1% तक का फॉल आया। एंड हम लोगों ने इस वीक के स्टार्टिंग पे डिकोड कर लिया था कि चार्ट्स आर ओवरबॉट, वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से करेक्शन इज ड्यू एंड गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हम लोगों को मिलना चाहिए। तो गोल्ड में करीब करीब हम लोगों ने 500-600 पॉइंट का करेक्शन को एंजॉय किया एंड सिल्वर में भी हम लोगों ने करीब करीब 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन दो बार एंजॉय किया। इनफैक्ट सिल्वर पे पहले हम लोगों ने आई गेस yes, 17 तारीख को एक ये फॉल आया। यहाँ पे हम लोगों ने देखिए, ये सिल्वर का क्लोजिंग था प्रीवियस वीक का 14th को 75.45। वहां से ये करेक्शन, जो मेरा जो टारगेट जोन था 73,500 तक मैंने सोचा था, 73,819 तक आया। नॉर्मली 2,000 पॉइंट हम लोगों को सिल्वर में करेक्शन मिल गया एंड गोल्ड में भी हम लोगों को 500 से 600 पॉइंट का मुनाफा मिल गया। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, ओकेशन है अक्षय तृतीया का। तो आप लोग सबको गोल्ड सिल्वर के बारे में जानना है कि इससे नीचे और आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो कैसे आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें गोल्ड एंड सिल्वर में, तो चलिए आइए उस पर बात करते हैं। गोल्ड देखिए, डेली चार्ट में गोल्ड आ गया है अब मेरी मिडिल चैनल बैंड पे, ठीक है। एंड मेरे वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी एक सपोर्ट जोन नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस बना चुका है ये। मैं इसको यहाँ से देखो तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे ये धीरे धीरे मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल और भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। तो कैन आई सी गोल्ड 58,500 मेरे लोअर चैनल पे, क्योंकि मिडिल चैनल को तोड़ चुका है विद अ वेरी गुड कैंडल। अगर मंडे को फॉलो अप सेल मिलता है गोल्ड में और ये जो लो बना था 59,622, इसके नीचे जाता है तो डेली चार्ट के हिसाब से करेक्शन है। तो थोड़ा पहले वीकली चार्ट पे भी घूमना बनता है दोस्तों। वाह, वीकली चार्ट में देखिए एक रिवर्सल कैंडल, इस रिवर्सल कैंडल के बाद एक अगेन अ बियरिश कैंडल ऑन द आउटसाइड जोन ऑफ द चैनल विद अ डिक्लाइन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रोफाइल में डिक्लाइन है, तो दैट मींस वी आर हेडिंग इन फॉर अ करेक्शन इन द अपकमिंग वीक ऑल्सो। हम लोगों को नेक्स्ट वीक में भी दोस्तों गोल्ड में करेक्शन मिलने वाला है एंड आई गेस दिस वुड बी द लेवल। पहला टारगेट 58,400 और अगर हायर एस्केलेटर जाता है तो 57,000 तक गोल्ड में करेक्शन बन सकता है। आवर्ली चार्ट, लेट मी जस्ट क्विकली सी व्हाट आवर्ली चार्ट इज सेइंग। आवर्ली चार्ट में देखिए, मेरे पूरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसने एकदम लोअर बैंड से ही सपोर्ट लेके घुमाया, बट अब इसके लिए 60,000 एंड 60,122 पार करना बहुत टफ जोन होगा। मंडे को गैप डाउन खुल जाता है तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट, और अगर ऊपर खुलता है तो 60,120 के ऊपर चलेगा तो हम लोग देखेंगे कि 60,200-300 तक जा सकता है मैक्सिमम ऑन टू दैट। तो अब हम लोगों का गोल्ड में ट्रेड प्लान रहेगा, इफ आई एम सेलिंग बिलो 59,622 तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 60,000 का एंड आई विल बी वर्किंग फॉर टारगेट ऑफ 58,400-500, ठीक है। 1,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1,000 पॉइंट के करीब का टारगेट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड पे, ठीक है। तो गोल्ड बियरिश 59,622 के नीचे लो टूटे बेच दीजिए, स्टॉप लॉस 60,000 के करीब का, टारगेट 58,400-500 के इनिशियल टारगेट। सिल्वर, पहले सिल्वर का वीकली चार्ट देख लेते हैं।
लास्ट वीक क्या था ना कि वीकली चार्ट रोबस्ट ओके तो सिल्वर ने डिसाइसिवली यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल तो नहीं दी है, बट ठीक है डिसाइसिवली एक ट्रेंड रिवर्स करने की कगार कगार पे। तो सिल्वर में भी और करेक्शन कमिंग वीक में बढ़ेगा दोस्तों। पहला टारगेट है 73,500, गो शॉर्ट इन सिल्वर। अगर ये अपना ये लो टूट जाता है ना 74,500 का, 74,500 पे इसको लो को ये तोड़ता है, तो गो शॉर्ट इन सिल्वर टारगेट 73,500 एंड देन 71,700। 73,500, 71,700 स्टॉप लॉस बस हम लोग यहीं पे हाई पे रखेंगे। हम लोग 75,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। तो सिल्वर सेल गोल्ड सेल, ठीक है। अब जो धमाकेदार कमाई आने वाला है वो है दोस्तों नेचुरल गैस में, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम देखिए, फाइनली 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 मेरे कोब स्ट्रेटेजी में इसने एक रिवर्सल दिया है, डबल टॉप बना के इस ट्रेड पे, डबल बॉटम सॉरी, डबल बॉटम और रिवर्सल कैंडल। तो जो लोग नेचुरल गैस में ट्रेड लेते हैं, अपने जो भी भाई भाई बंधु जो भी ट्रेड लेते हैं एनजी में, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी एनजी में। 158 के स्टॉप लॉस से बाई है, पहला ही टारगेट 259 का दोस्तों आ रहा है एनजी में। ये मिडल बैंड वॉल्यूम प्रोफाइल ने एक बॉटम बना दिया है वीकली चार्ट पे एंड वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल ने एक बॉटम बना दिया विद डब्ल्यू पैटर्न, इट इज रिवर्सिंग। यहाँ पे प्राइस में डबल बॉटम है, यहाँ पे प्राइस में डबल बॉटम है, तो एटलीस्ट 247 से 250 एनजी में मिलेगा। एनजी में एक बड़ा पैसा मिलने वाला है 50-60 रुपए तक। तो डोंट मिस एनजी, एनजी बाई 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 183 के करीब का क्लोजिंग है। एक्सपायरी आप लोग देख लीजिएगा, शायद एक्सपायरी अभी 1 अप्रैल के बाद मेटा एक्सपायरी आने वाला है, तो एक्सपायरी आप लोग देख लीजिएगा। बट एनजी इज अ बाई एट दिस लेवल, एनजी को बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका देखिए लंबा खाना है हम लोगों को, स्टॉप लॉस 160 रुपए के, 60 रुपए के करीब का रखिए, टारगेट 259 के करीब का रखिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ एनजी, एनजी में बिग ब्रेकआउट है वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में भी ये अपने देख रही कितने बड़े सपोर्ट जोन के पास आ चुका है दोस्तों। इमिनेंट रिवर्सल है, मई महीना में इमिनेंट रिवर्सल है एनजी में, हो गया एनजी का करेक्शन खत्म, ठीक है। तो बाई एनजी एंड 250, 260 और मे बी बियॉन्ड दैट एनजी का टारगेट आ सकता है। आई डोंट नो, शायद रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का न्यूज आ जाए या व्हाट एवर द गुड न्यूज कम्स इन एनजी, बट एनजी में दोस्तों अब एक टारगेट बन गया है, एनजी इज पॉइज्ड फॉर अ रिवर्सल फॉर 259, 260। तो दोस्तों ये वीकली एनालिसिस है मेरा गोल्ड सिल्वर एनजी में। क्रूड में अभी तक मेरा कुछ बना नहीं है, क्रूड पे इस वीक हम लोग चर्चा ओमिट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लोगों के लिए इस तरीके के प्राइस एक्शन और टेक्निकल इंडिकेटर्स के दम पे हर वीक कुछ ना कुछ लेके आते रहूंगा, ताकि आप लोग भी इन लेवल्स का फायदा उठा सके और अपने ट्रेडिंग पे इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।